शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने जोड़ लीजिए, आंखें बंद रहेगी, पीठ सीधी, कंधे ढीले, गहरा लंबा सांस, शांति पाठ आंखें बंद करके करिए। ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए हाथों को नीचे कर लेंगे और गर्दन के सूक्ष्म में करना शुरू कर दिए। सांस छोड़ते हुए चिन को राइट शोल्डर, फिर भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी साइड में, चिन को करते रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। गर्दन पे हो रहे जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, उनको अपन फील करते हुए फिर करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे। 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भर के सिर को पीछे लेके जाइए, गले पे खिंचाव आएगा, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। सांस भर के पूरा पीछे लेके जाएंगे, छोड़ते हुए सामने की ओर, लगातार करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, गले पे खिंचाव को फील करते हुए 3, 2 एंड रिलैक्स। सीधे कान को सीधे कंधे की तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन पे खिंचाव आएगा, उसको फील करते हुए लगातार करिए। 10, 9, सांस छोड़ते हुए साइड में, भर के बीच में, छोड़ते हुए साइड में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी गर्दन को गोल घुमाइए, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए लेफ्ट, भर के पीछे, छोड़ते हुए राइट, लगातार करिए। 1, 2, 3, 4, ब्रीदिंग के साथ 5, 6, 7, 8, 9 और 10, रिलैक्स। चलिए अभी दोनों हाथ के पंजे सामने लेंगे और उंगलियां टाइट, सांस भरते सांस छोड़ते, जैसे किसी को नोज में एकदम उंगलियां टाइट करते हुए अंगूठे को उंगली में फंसाएंगे। हाथ एकदम सीधे रहेंगे, कोहनी एकदम सीधी रहेगी, सांस भरते छोड़ते रहेंगे, लगातार करते रहिए। 30, 29, 28, अंगूठा उंगलियों के अंदर, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी मुट्ठी बंद करके और रिस्ट को गोल घुमाइए, हाथों को सामने सीधा रखेंगे, रिस्ट को गोल घुमाएंगे। 20
एंड अपोजिट डायरेक्शन 30 सॉरी अपोजिट डायरेक्शन 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एकदम रिलैक्स रहिए। दोनों हाथ के पंजे सामने लेके अभी कोहनी का मूवमेंट करेंगे। कोहनी एक दो सांस भरते छोड़ते रहेंगे। तीन चार पांच कोहनी की दिशा एकदम सामने रहेगी। सात आठ सांस भरते छोड़ते रहिए। नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह उंगलियां कंधों पे लगा के गोल घुमाइए। एक दो पानी मिला के करिए। तीन चार पांच छः सात नाक से सांस भरनी है। आठ नौ दस कोहनी मिला के करेंगे। ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस लगातार करते रहिए। बीस वेरी गुड। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस। रिलैक्स कंधों को रिलैक्स करिए एकदम। अभी कटी चालन का अभ्यास दोनों हाथों को सामने लेके सांस छोड़ते हुए ट्विट घर के बीच में छोड़ते हुए ट्विट कटी चालन। कमर को मूवमेंट नहीं करेंगे। कमर को स्टेबल रखते हुए कमर से ऊपर अपन पूरा ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे देखते हैं और सांस भरते हुए बीच में देखते हैं। लगातार अभ्यास में रखिए इसको। लगातार करते रहिए। थ्री फोर फाइव ब्रीथिंग का ध्यान रखते हुए। सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, लगातार 60 टाइम्स, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ब्रीथिंग का ध्यान रखते हुए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। रिलैक्स हो जाइए। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिए और अभी ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर लेके जाएंगे उंगलियां फंसा के। हथेली की दिशा ऊपर रखते हुए अपने हाथों को एकदम सीधा कोहनी एकदम लॉक और एड़ियां जितना संभव हो ऊपर की ओर उठाइए उठाइए। खींचिए पूरे शरीर को। एड़ियां ऊपर उठाइए।
घुटनों को खींचिए ऊपर की ओर, कमर को, पीठ को, कंधों को, कोहनी, कलाई, पूरे हर एक पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेंगे। शरीर को पूरा खींच के किसी एक पॉइंट की तरफ फोकस कर लें, जिससे माइंड बैलेंस रहेगा और आपके बॉडी भी बैलेंस रहेगी, पोस्चर भी बैलेंस रहेगा। लगातार इस पोस्चर में होल्ड करेंगे, सांस भरते छोड़ते रहेंगे। आखिरी 40 काउंट और 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 34, 33, 34, 33, 34, 33, 34, 34, 35, 34, 33, 34, 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
5 4 मुस्कुराइए, आप योग कर रहे हैं। 3 2 एंड स्लोली एक्सहेल डाउन रिलैक्स। कंफर्टेबल हो जाइए, थोड़ा सा गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस को गहरा लंबा भरिए और सांस को डीपली एक्सहेल। अभी दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए और नीज अप डाउन करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को ऊपर लेके जाइए और सांस भरते हुए नीचे लेके जाइए। लगातार करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 रिलैक्स। चलिए, गर्दन से शुरू हुआ, हाथों का किया, कंधों का किया, कमर का कर लिया, घुटनों का कर लिया, ठीक है। घुटनों का एक और करेंगे, तो दोनों पैरों को मिलाइए, घुटनों पे हाथ लगाएंगे, घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 लेफ्ट। हाँ, थक गए। चलो अभी दूसरी दिशा में गोल घुमाएंगे। 30 घुमाइए 30 29। पहले क्लॉक घुमाया, अभी एंटी क्लॉक घुमाया। 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और बस। बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अभी दोनों पैरों को मिला लीजिए हाथ का सपोर्ट रख के, और पीठ को एकदम सीधी रखते हुए, स्पाइन को एकदम इरेक्ट रखते हुए अपने पैर के पंजों को आगे पीछे करिए। मतलब अभी हम टखनों पे आ गए, टखनों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। पैर के पंजों को पूरा आगे तक लेके जाइए, पूरा पीछे तक लेके जाइए। जब आगे की ओर लेके जाएंगे तो पैर के ऊपर वाले हिस्से पे खिंचाव आएगा, और जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो काफ मसल पे, पिंडलियों पे पूरा खिंचाव आएगा। इससे किसी को एड़ी की दर्द है, किसी को टखने का दर्द है या घुटने की समस्या है, तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। लगातार करते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सांस को भरते और छोड़ते रहेंगे और चेहरे पर किसी मुस्कुराहट रखेंगे।
ठीक है, तो लगातार करते रहिए सांस को, छोड़ते भरते लगातार, पैर के पंजों को आगे पीछे करते रहिए, ज्यादा नहीं करेंगे, बस 30 बार, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, बहुत बढ़िया, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, पूरा आगे तक करो, पूरा पीछे तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और गोल घुमाइए, पैर के पंजों को गोल घुमाइए, पूरा सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए पूरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में हम करेंगे, 20 20 काउंट, ज़्यादा नहीं, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, पूरा आगे तक लेके जाओ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दूसरी दिशा में गोल घुमाइए, हाँ गोल घुमाइए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, बोले क्या घपलेबाजी है, तो 20-20 करने हैं ना दोनों दिशा में, तो यहाँ 10 से शुरू करी तो वापस 10 पे वही ख़त्म करेंगे, चलिए रुक जाइए, अभी बटरफ्लाई के लिए तैयार, दोनों पैर के पंजों को मिलाइए और हाथों का सपोर्ट लेते हुए घुटनों को नीज को अप डाउन करेंगे, पीठ एकदम सीधी रखते हुए, गर्दन एकदम सीधी रखेंगे और सामने की तरफ देखते हुए गहरा लंबा सांस भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, नीज को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेंगे लगातार, 30 काउंट, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, सांस भरते छोड़ते रहेंगे, 10, 9, 8, 7, से घुटनों को और पूरा नीचे तक लेके आओ, 5, 4, 3, 2, and, 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 चलिए अपनी जगह पर लेट के और अभी मरकट आसन का अभ्यास हम करेंगे, अपनी जगह लेट जाइए, हाथों को साइड में कंधे के समांतर रखते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ के और साइड में ट्विस्ट कर देंगे, कमर पे और आपके घुटनों पे 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा, फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, आंखें बंद रहेगी, गर्दन से कमर तक अपने स्पाइन को पूरा फील करिए, गर्दन से कमर तक स्पाइनल ट्विस्ट को महसूस करिए, सांस को भरते छोड़ते रहेंगे, दोनों हाथ कंधे के समांतर रखते हुए हथेली की दिशा नीचे की ओर रखेंगे और इसी पोस्चर में आंख बंद करके होल्ड करिए, साइड ऑफ लेग्स, पैंक्रियाज, जितने भी आपके पेट के आसपास ऑर्गन्स हैं उन सब पे ध्यान लगाते हुए, अपने स्पाइन पे ध्यान लगाते हुए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान लगाते हुए और इस पोस्चर में रहेंगे, इससे कमर की दिक्कत नहीं होगी और होगी भी तो वो ठीक हो जाएगी, तो आखिरी 20 काउंट और 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, सब तेरा है प्रभु हमारा कुछ नहीं है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सांस भरते हुए वापस आ जाइए और अभी सांस छोड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में करिए, अपोजिट डायरेक्शन में फेस रहेगा, आंखें बंद रहेगी, गर्दन से कमर तक स्पाइनल ट्विस्ट को महसूस करेंगे,
30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and वापस आ जाओ। अभी दोनों घुटने मोड़ते हुए पवन मुक्त आसन का अभ्यास, दोनों घुटने मोड़ के चेस्ट के पास लेके आइए। उंगलियां फंसा के अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे, घुटनों को पूरा चेस्ट तक लेके आएंगे। खुश कर दिए सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच लीजिए। गर्दन की दिक्कत है तो नाक को घुटनों के बीच में नहीं लगाना है, सिर को जमीन पे ही होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करके रखिए। 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax। अभी इसी के साथ करेंगे हम अर्ध हल आसन की स्थिति में आइए। अभी दोनों घुटनों को सीधा करते हुए पैरों को 90 डिग्री अर्धहल आसन में लेके आ जाइए और हथेली का सपोर्ट अपने हिप के नीचे कमर के नीचे लगा लेंगे और कंधे ढीले रखते हुए अपने दोनों अंगूठे सिर की तरफ फेस रहेंगे। हाँ, होल्ड करिए। घुटने एकदम सीधे रहेंगे, सांस भरते छोड़ते रहेंगे। पूरा प्रेशर आप एब्डोमिन पे फील कर रहे हैं, लगातार इसका अभ्यास करेंगे। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, कोई भी आसन हो अपनी क्षमता अनुसार करें। कोई भी इंजरी ना हो उसका विशेष ध्यान रखें, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही इसको करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, अगर कमर दर्द लगे तो सेफली इसको करें वरना ना करें। 5, 4, 3, 2, and slowly come down, relax। चलिए अभी पलट के पेट के बल लेट जाइए। अभी प्रो लाइन पोस्चर्स करेंगे, सुपाइन लाइन हमने कर लिए हैं। अब पेट के बल लेटने वाले आसन में सबसे पहले मकर आसन में आप विश्राम कर रहे हैं। मकर आसन की स्थिति, हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर, जो हथेली ऊपर है वो वाला कान उस हथेली पर रख लेंगे उस साइड का, और दोनों पैर की एड़ी अंदर की तरफ मिली रहेगी और दोनों पैर के अंगूठे बाहर की ओर रहेंगे। पैरों में मैट जितनी दूरी रहती है। गहरा सांस भरो, छोड़ो, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। चलिए अभी नेक्स्ट करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन के लिए तैयार, दोनों हाथ की हथेली अपने थाइज के नीचे रखिए। दोनों हाथ की हथेली थाइज के नीचे रखेंगे और पैरों को एकदम सीधा रखेंगे। चिन को जमीन पर रखते हुए अपने दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े जमीन से ऊपर उठाइए। चिन को जमीन पर ही रखेंगे। अगर दोनों को उठाने में दिक्कत हो तो एक एक पैर के साथ भी 30-30 काउंट का अभ्यास कर सकते हैं। अभी आप दोनों पैरों से कर रहे हैं इसलिए 30 काउंट्स होल्ड करेंगे। घुटना नहीं मोड़ना है, पैर एकदम सीधे रहेंगे, ऊपर हवा में उठे रहेंगे कमर से। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, उठाओ, 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 7, 6, 5, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। 4, 3, 2,
एंड रिलैक्स, मकर आसन की स्थिति में आ जाइए। गहरा लंबा सांस भरेंगे छोड़ेंगे और रिलैक्स करिए। चलिए भुजंग आसन के लिए तैयार, दोनों हाथ की हथेलियां कंधे के नीचे लगाएंगे, पैरों को मिला लीजिए, एड़ियां मिलेगी, अंगूठे मिलेंगे, पैर के अंगूठे पीछे की तरफ, कोहनी शरीर से टिका के माथा जमीन पर। अब सांस भरते हुए पूरा ऊपर तक जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे तक आएंगे। ये वेरिएशन है भुजंग आसन का, आप इसको होल्ड करके भी कर सकते हैं, लगातार करिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25 लगातार करिए। 24 पैरों को मिला के रखिए। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 12, 11, 10, 9 करते चलो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम, मकर आसन होल्ड करिए। गहरा लंबा सांस भरिए छोड़िए, होल्ड करके रखेंगे, मकर आसन में आराम करिए। चलिए अभी करेंगे विपरीत नौकासन का अभ्यास। विपरीत नौकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ की हथेली आगे की ओर जाएगी और पैरों को, हाथों को, चेस्ट को उठाते हुए पूरा वजन आप पेट के ऊपर ले लेंगे। करिए, उठाइए पूरा वजन पेट के ऊपर लेते हुए, अपने दोनों हाथों को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, पैरों को उठाइए, कोई सपोर्ट नहीं लेना है किसी भी तरह का, और होल्ड करके रखेंगे। 25, 24, 25, 26, 27, 28, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, रिलैक्स, मकर आसन में आराम करिए। रिलैक्स करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को भरते और छोड़ते रहेंगे, लगातार करते रहिए। चलिए अभी भुजंग आसन से होते हुए वज्र आसन की स्थिति में आके घुटनों के बल बैठ जाइए। करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अंगूठे को उंगली में फंसा लीजिए और दोनों अंगूठों को, दोनों अंगूठियों को बंद करते हुए नाभि पर रखते हुए सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचते हुए सामने की ओर झुकेंगे और सामने की ओर देखेंगे, चेस्ट को घुटनों से मिला लेंगे और सामने की ओर देखेंगे। अब ब्रीथ नॉर्मल। 30, 29, 28, 27 पैंक्रियास पर दबाव को फील करिए, ये कभी भी शुगर को होने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको ये कम कर देगा, क्योंकि पैंक्रियास के अंदर कुछ बीटा सेल्स होते हैं जो इसको बैलेंस करते हैं, जो इंसुलिन को सही मात्रा में रिलीज करते हैं। चलिए होल्ड रखिए, आखिरी 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, relax। आ जाइए वापस।
चलिए अभी करेंगे उत्तान मंडूकासन, याद है? उत्तान मंडूकासन में अपने सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर रखते हैं और उल्टे हाथ को सीधे कंधे पर रखते हैं। कोहनी की दिशा ऊपर रहेगी, पैरों में घुटनों में अंतर, घुटनों में दूरी बनाइए, घुटनों में दूरी बनाइए, जितनी संभव हो उतनी दूरी बनाएंगे। सांस को भरते छोड़ते रहेंगे, हाथों को पीछे की ओर धकेलते हुए और हल्का सा ऊपर की ओर देखेंगे। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें। 25, 24 उत्तान मंडूक आसन इसका नाम। 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जिस तरह से पोस्चर में जाते हैं उसी तरह से वापस पोस्चर में से आते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को रिलीज करेंगे और फिर दोनों घुटनों को पास में लेते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए, कंफर्टेबल होते हैं। रिलैक्स, सांस को गहरा भरिए छोड़िए और रिलैक्स रहिए एकदम। सांस को गहरा भरेंगे छोड़ेंगे और रिलैक्स रहिए एकदम। चलिए अभी गोमुख आसन याद है क्या? हाँ, तो अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे लेग क्रॉस करते हुए। करिए घुटने पे घुटना अरेंज करने के बाद हील को हिप के पास मिला लेंगे। दोनों हील को हिप के पास मिला लीजिए। अभी जो घुटना ऊपर की साइड है उस वाले हाथ की कोहनी को ऊपर की ओर पीछे की तरफ हाथ को लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ से पीछे मिलाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे पीछे की साइड और हल्का सा ऊपर की ओर सिर को कर लेंगे। इस पोस्चर में होल्ड रहेंगे 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। सांस बढ़ते छोड़ते रहो, पूरा ध्यान अपने पेल्विक जॉइंट्स पे। 8, 7, 6, 5, 4, 3। पोस्चर में आते कैसे हैं? सबसे पहले अपनी फिंगर्स को अनलॉक करिए, अपने हाथों को रिलीज करिए और फिर अपने घुटनों को नॉर्मल ले आइए। आया मजा? चलिए दूसरे ही तरफ से करेंगे। दूसरे घुटने को ऊपर लेंगे इस बार, ठीक है? दूसरे हाथ की कोहनी ऊपर, मतलब जो घुटना ऊपर है उस साइड की कोहनी ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को पीछे मिलाएंगे। और रिलैक्स रहिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी करेंगे वक्रासन का अभ्यास। तो वक्रासन के अभ्यास करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए और अभी अपने एक घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को दूसरे घुटने के पास लाके रख लेंगे। हाँ, और जो घुटना ऊपर की साइड है, जो पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, उस साइड के हाथ को पीछे ले जाते हुए दूसरे हाथ की कोहनी से अपने घुटने पे पुश करते हुए, पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखना है
और इसी पोस्चर में आपको होल्ड करना है, पीठ को एकदम सीधा रखते हुए ट्विस्टिंग करना है, जिससे आपके स्पाइन पे एक अच्छा ट्विस्ट आएगा और इसी के साथ साथ क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आखिरी 20 काउंट्स, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। अजी वापस अभी वक्रासन दूसरी तरफ से करेंगे। वैसे ये जो आप पोस्चर कर रहे हैं ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन है और वक्रासन में दोनों पैर एकदम सीधे रहते हैं, लेकिन अपने को अभी ये भी चलेगा, ये वेरिएशन ही है। करिए पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। 30 29 28 27, पीठ को एकदम सीधा रखते हुए कोहनी से घुटने को अपनी तरफ पुश कर लीजिए। 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and relax। अभी अपनी जगह पर शवासन की स्थिति में लेट जाइए और शवासन का अभ्यास हम करेंगे। अपनी जगह पर आप लेट जाइए, दोनों पैरों में उचित दूरी, मैट जितनी दूरी, दोनों हाथ की हथेली कमर के पास, हथेली की दिशा ऊपर, कंधे ढीले, आंखें बंद। शरीर को एक बार में पूरी तरह से व्यवस्थित कर लें, उसके बाद शरीर को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। आप शव आसन की स्थिति में हैं, सांस को पूरा गहरा भरेंगे और धीमे धीमे सांस को छोड़िए, सांस को पूरा गहरा भरिए, धीमे धीमे सांस को छोड़िए। आखिरी बार एक और बार ऐसा हम कर रहे हैं, सांस को पूरा गहरा भरेंगे और धीमे धीमे सांस को छोड़ेंगे। अभी पूरा फोकस आप अपने सीधे पैर पर लेके आइए, सीधे पैर का अंगूठा, चारों उंगली, पैर का निचला तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, घुटने से कमर, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, स्टेबल रहिए। दूसरे पैर का अंगूठा, चारों उंगली, पैर का निचला तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, घुटने से कमर। अभी इसी तरह से आप सीधे हाथ पर अपना ध्यान लेके आइए, सीधे हाथ का अंगूठा, चारों उंगली, हथेली, हथेली का निचला भाग जो जमीन को छू रहा है, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, सीधा कंधा, सीधी पीठ, सीधी कमर। अभी पूरी चेतना अपनी दूसरे हाथ पे लेके आएंगे, ब्रिंग होल योर कॉन्शियसनेस ऑन योर अनदर हैंड, लेफ्ट हैंड, अंगूठा, चार उंगली, हथेली, हथेली का निचला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, उल्टा कंधा, उल्टी पीठ, उल्टी कमर। अभी पूरा फोकस अपना पेट पे लेके आइए, पेट के फैलने सिकुड़ने को महसूस करिए। जब आप सांस को गहरा भरेंगे पेट पूरा फैलेगा, जब आप सांस को छोड़ेंगे पेट पूरा सिकुड़ेगा। पेट के फैलने सिकुड़ने के साथ आप सांस को जोड़ दीजिए और 10 से 1 तक उल्टी गिनती मन ही मन करेंगे। सांस भरेंगे पेट फैलेगा 10, सांस छोड़ेंगे पेट सिकुड़ेगा 10, सांस भरेंगे पेट फैलेगा 9। इस तरह से 1 तक उल्टी गिनती मन ही मन गिनते रहिए।
अभी सेम चीज़ आप अपनी चेस्ट के साथ करेंगे। जब आप सांस भरेंगे चेस्ट फैलेगा, जब सांस छोड़ेंगे चेस्ट सिकुड़ेगा वापस से। भाई 10 से 1 तक उल्टी गिनती मन में, सांस भरने के साथ चेस्ट फैलेगा 10, सांस छोड़ेंगे चेस्ट सिकुड़ेगा 10, लगातार चेस्ट के फैलने सिकुड़ने को महसूस करिए। अभी पूरा ध्यान अपने गले पर लेके आइए, गले में हो रहे सेंसेशन को फील करिए, गर्दन, सिर, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां ढीली, सांस पर ध्यान लेके आइए। जब आप सांस भर रहे हैं हवा का स्पर्श नाक के भीतर हो रहा है उसको फील करिए, सांस को पूरा गहरा भरो, धीरे धीरे छोड़िए। सांस को पूरा गहरा भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस को पूरा गहरा भरिए और धीमे धीमे छोड़ेंगे। अभी मानसिक ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरेंगे और बोलना नहीं है, सिर्फ मन ही मन में ओम की ध्वनि करनी है। शरीर को स्टेबल रखेंगे, शरीर को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है अभी। अभी अपने बॉडी में लाइटनेस को फील करिए, हल्केपन को फील करिए। बॉडी एकदम हल्की 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 होती जा रही है, उसको फील करिए, अनुभव में लेके आइए। शरीर इतना हल्का कि शरीर जमीन से उठ जाएगा ऐसा फील आ रहा है। चलिए वापस से श्वास पे ध्यान लेके आ जाइए। श्वास पूरा गहरा, पूरे बॉडी का ध्यान करिए, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक। अभी धीरे धीरे हाथ की उंगलियां हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, पैरों को मिलाइए, हाथों को पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए ताड़ासन के जैसे पूरे शरीर को खींचेंगे, सांस भरते हुए पूरे शरीर को ताड़ासन के जैसे खींचिए 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 खींचिए। अभी सांस छोड़ के करवट लेके अपनी जगह पर बैठ जाइए। चलिए सुबह हो चुकी है, विद्यार्थी कृपया उठ जाए। चलिए अभी करेंगे कपालभाति अभ्यास। पीठ एकदम सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पर रखते हुए हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। पीठ एकदम सीधी रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे और नाभि के पास से लगातार आप स्ट्रोक देते रहेंगे। इसमें सांस बिल्कुल भरनी नहीं है, सिर्फ लगातार छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है।
अगर करने में कोई दिक्कत आए तो फील करो कि आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है और उसको आप नाक से बुझाएंगे। तो कैसे बुझाएंगे? जोर से झटके से सांस देंगे और वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसी तरह से आपको इसका अभ्यास लगातार करना है। और जब आप कपाल भाती करें, आंखें बंद रखें, पीठ सीधी रखें और लगातार करते रहें। अगर लगे ऐसा कि कमर पे वजन आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में आप 2 या 3 कुशन लेके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। थोड़ा सा हाइट बढ़ेगी तो आपका स्पाइन ठीक से इरेक्ट हो पाएगा, ठीक से वो नेचुरल शेप में आ पाएगा। तो लंबर रीजन जो होता है, हमारे पीठ की जो निचला भाग होता है उस पर खिंचाव नहीं बनेगा, तो वो रिलैक्स रहेगा, तो आप भी रिलैक्स रहेंगे और लंबे समय तक कपाल भाती करते रहेंगे। तो कपाल भाती करते रहिए। और कपाल भाती सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जब हम स्ट्रोक देते हैं तो हमारा जो एनल पोर्शन होता है, एनस पोर्शन होता है, वो स्क्वीज होता है फिर रिलैक्स होता है, स्क्वीज होता है रिलैक्स होता है। इसको हम अश्विनी मुद्रा भी कह सकते हैं। अश्विनी मुद्रा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, पर इसमें आपको ये चीज फील करनी है। लगातार करते रहिए, आंखें बंद रहेगी। इसके 3 राउंड आपको करने हैं, 120 120 120 के। 120 क्या? लगातार सांस छोड़ा, पेट अंदर, सांस छोड़ा पेट अंदर, सांस छोड़ा पेट अंदर, सांस भरना नहीं। फिर जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एक डीप एक्सहेल करेंगे और डीप इनहेल करेंगे। फिर आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आपकी ब्रीदिंग कुछ देर के लिए रुक गई है, कुछ समय के लिए वो रुक गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्रेन में होते हैं कैमोरिसेप्टर। क्या होते हैं? कैमोरिसेप्टर। तो वो हमारे ब्रेन में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो इस वजह से वो कुछ देर के लिए सांस आपको रुकी हुई फील करेगी। लगातार इसका अभ्यास, कपाल भाती का अभ्यास करते रहें। अपने सांस पे ध्यान दें, नाभि पे ध्यान दें। अभी कपाल भाती का अभ्यास रोकते हुए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम माने नाड़ी शुद्धि। अब मैं इसमें 8 की काउंटिंग कर रहा हूँ। लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करना है, राइट हैंड हमेशा यूज करना है। अपने हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हुए अंगूठे से राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करना शुरू करेंगे। 8 काउंट में मैं काउंट करूंगा और फिर छोड़ेंगे भी तो आउट काउंट में। स्टार्ट। लेफ्ट से इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी नाक से इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के रखें। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस को गहरा भरिए, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
दूसरी से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंखें बंद करो, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7, और रिलैक्स। हमेशा उल्टी नाक पे अपन प्राणायाम को एंड करते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी भ्रामरी प्राणायाम आप करें, दोनों हाथ की उंगलियां अपनी आंखों पे लगा लीजिए, इंडेक्स फिंगर को माथे पे और रिंग फिंगर को और मिडल फिंगर को आंखों में, और छोटी उंगली को नाक के बाहर, अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए, गहरा लंबा श्वास भर के और की ध्वनि आपको करनी है, लगातार आप करते रहिए। चलिए रुक जाइए, दोनों हाथों को सामने जोड़ के प्रेयर बोल के एंड करेंगे सेशन को। पीठ सीधी, आंखें बंद, कंधे ढीले, गहरा लंबा श्वास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो वो जोर से रब करो, गरम हथेली होने पे बंदा हो गया, स्पर्श कराएंगे। और
धीरे हम खोल लेंगे आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।